बहराइच कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर किसान यूनियन द्वारा मासिक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस पंचायत का आयोजन जिलाध्यक्ष राम कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुआ। किसान संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने के बाद किसान यूनियन द्वारा 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन नायब तहसीलदार सदर को सौंपा गया। उनकी मांग है कि चिलवरिया चीनी मिल का भुगतान कराया जाए, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पूर्ण रूप से दावों की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, छोटा जानवरों से पूर्ण रूप से निजात दिलाया जाए, गौशालाओं की जांच कराई जाए, सभी तालाबों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, गोंडा रोड बाबागंज चौराहे से होते हुए बहादुर चक तक रोड मरम्मत कराई जाए, ब्लैक बलाह के अंतर्गत पशु डॉक्टर द्वारा कार्यशीलता बरती जाए, जांच कर उस पर कार्रवाई की जाए, लखनऊ रोड से बकरौली कुठार जाने के लिए पुलिया क्षतिग्रस्त है, उसकी मरम्मत कराई जाए। उन्होंने मांगों का ज्ञापन नैब तहसीलदार सदर को सौंपा है और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई है, अन्यथा उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दे दी है। बहराइच से कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। भारतीय किसान प्रदेश सचिव ओम प्रकाश वर्मा, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? धरने पे बैठे हैं, आज जो है ये मासिक पंचायत चल रही है, हर 21 तारीख को किसानों की समस्याओं को लेकर के जिले पे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है, जिसमें किसानों की समस्याएं निम्न प्रकार होती हैं, जैसे कि आज किसानों का कर्ज माफ नहीं हो रहा, किसान आत्महत्या कर रहा है। नंबर दो यह है कि छुट्टा जानवर जो घूम रहे हैं, यह 6-7वां वर्ष हो रहा है मुख्यमंत्री का कार्यकाल, और 7 वर्ष में जो है गौशाला अभी सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं, अभी भी छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। हम चाहते हैं इसके लिए टोल फ्री नंबर चालू किया जाए, एम्बुलेंस चालू हो जाए, किसान उस टोल फ्री पे नंबर पे फ़ोन करे और वहाँ जा कर के वो किसान किसान के खेत से वो जानवर पकड़ के गौशाला आ जाए। नंबर तीन यह है कि चिलोरिया फैक्ट्री का 125 करोड़ रुपया बकाया है, जो तत्काल भुगतान होना चाहिए, वरना इस पर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक पूरा भुगतान हो नहीं जाएगा। करके कई समस्याएं हैं, किसानों की बिजली सिंचाई माफ हो, कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों को लेकर के किसान आज धरने पर बैठा है। मंडिया महोदया को ज्ञापन दिया गया है, उनके प्रतिनिधि जो है नायब तहसीलदार महोदय आए थे, वो ज्ञापन सौंप